हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक फ्यूल और मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया, मजे में, इंजॉय। और ऐसे ही आप लोग इस्माइल करते रहा करो यार, अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आप एक एयरफोन ढूंढ रहे हैं, एक बढ़िया से एयरफोन वायर वाला, जिससे आप गेमिंग कर सके, म्यूजिक में अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाए, बढ़िया एक अच्छी क्वालिटी के साथ इसका डीप बेस हो और वायर वगैरह काफ़ी अच्छा हो, जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी टूटे ना, सारे के सारे ब्रांडेड हो, कंपनी की तरफ से आने वाला हो और आपका बजट वहाँ पे महज 1000 रुपये है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बेस्ट ऐसे एयरफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको 1000 रुपये में मिल जाएंगे। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, अपने कैटेगरी में काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वीडियो एंड तक देखने के बाद वहाँ जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, चाहो तो इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन कौन से बढ़िया दासू एयरफोन है हमारे बीच जो कि मैच 1000 रुपये के अंदर माते हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया अपने कैटेगरी में, काफ़ी बेस्ट और सारे के सारे प्रीमियम है। दोस्तों इससे पहला ये हमारा MI की तरफ से वाला MI डुअल ड्राइवर जो कि दोस्तों Xiaomi की तरफ से वाला काफ़ी बढ़िया एयरफोन रहा, बेस्ट सेलिंग एयरफोन है MI की तरफ से वाला, बहुत ज़्यादा सेल होता है, इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू है जो कि डुअल ड्राइवर के साथ साथ गेमिंग में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और ये दोस्तों साथ ही साथ म्यूजिक में तो गजब साउंड क्वालिटी है इसके अंदर, बेस बहुत अच्छा है, ट्रेबल सब कुछ मिला के ओवरऑल काफ़ी क्रिस्प साउंड आता है जो कि आपका म्यूजिक में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा और गेमिंग में भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस मिल जाएगी इसमें। Xiaomi या MI हमेशा से ही अच्छे प्रोडक्ट को कम मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बाजार में काफ़ी लोकप्रिय है। MI का यह एयरफोन काफ़ी बढ़िया है जो कि 1000 के अंदर में। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यह एयरफोन मेटल हाउसिंग के साथ बना हुआ है, मतलब इसे बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया गया है जिसके कारण ये प्रीमियम लुक देता है, लेकिन धातु के प्रयोग होने के कारण वजन में थोड़ा ज़्यादा लगता है। हो सकता है कि लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि एयरफोन सनाइजर के एयरफोन जितना हल्का कम्पैक्ट नहीं है जो कि और एयरफोन सब जो काफ़ी हल्के होते हैं, ये थोड़ा सा आपका वेट में भारी पड़ जाएगा। इस एयरबड्स को थोड़ा सा मुड़ा हुआ जिसके कारण ये अच्छे से फिट हो जाता है, साथ ही वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वायर जल्दी उलझती नहीं है जिसके कारण एयरफोन और ज़्यादा टिकाऊ बन जाती है। इस एयरफोन को माइक के साथ डिज़ाइन किया है जिससे आप आसानी से कॉलिंग या गेम खेल सकते हैं जहाँ पर आपको किसी की परेशानी नहीं आएगी, जो कि दोस्तों ड्यूल ड्राइवर के साथ आता है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है जिसमें आपको लेफ्ट में राइट की आउट में एक और ऐसी साउंड आएगी गेमिंग के अंदर, और म्यूजिक में डीप बेस काफ़ी अच्छा है इसका, जो कि आप डीप के साउंड जो कि हाई बेस के सॉन्ग वगैरह होते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एयरफोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा JBL की तरफ से वाला JBL C200SI जो कि दोस्तों JBL की तरफ से वाला काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। वैसे दोस्तों JBL साउंड क्वालिटी के प्रोडक्ट में काफ़ी फेमस है इंडिया के अंदर, चाहे एयरफोन, स्पीकर्स और एनीथिंग एसेसरीज वगैरह देख लो, स्मार्ट एसेसरी JBL के बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर। JBL के नाम के एयरफोन और स्पीकर्स भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। JBL की अधिकतर एयरफोन महंगे होते हैं जिसके कारण कोई भी इसे नहीं खरीद पाता, लेकिन JBL की तरफ से आने वाले इस एयरफोन की कीमत तकरीबन 1000 रुपये से कम है, इसलिए इस एयरफोन को हमारे इस लिस्ट में मैंने डाला जो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी पर नज़र डालें तो यह मेटेलिक फिनिश के साथ डिज़ाइन किया गया है जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, साथ ही जब इसे अपने हाथ में लेते हैं तो बहुत ही प्रीमियम फील देता है। इसका बड्स भी 30° एंगल में मुड़ा होने के कारण कानों में अच्छी तरह से फिट हो जाता है, साथ ही एयरफोन लाइट वेट भी है जो काफ़ी बढ़िया लगा। मेटल फिनिश के साथ आने वाला एयरफोन में वजन ज़्यादा होता है, लंबे समय तक इस्तेमाल करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। वायर भी अच्छी क्वालिटी का है, टेंगल फ्री दिया गया जो कि टिकाऊ बनाने के लिए ज़रूरी है। यदि इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, साथ ही बेस बहुत कमाल का है और साउंड के मामले में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। गेमिंग के अंदर तो काफ़ी बढ़िया है ये वाला, गेमिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे दोस्तों डीप बेस साउंड का एक्सपीरियंस लेने चाहते हैं वहाँ पे ये एयरफोन ट्राई कर सकते हैं, आपको म्यूजिक में काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, बेस्ट स्पेसिफिकेशन साथ आते हैं, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा मीवी की तरफ से वाला ये हमारा मीवी थंडर बीट्स। वैसे दोस्तों मीवी बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के अंदर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इसको सब प्रमोट करते हैं, भुवन बाम से लेकर के बड़े बड़े जितने यूट्यूबर है सब इसको प्रमोट करते हैं, कैरी मिनाटी तक इसको प्रमोट करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। वर्तमान समय में मीवी अच्छे क्वालिटी के वायरलेस एयरफोन और स्पीकर्स के लिए जाने जाते हैं। इसकी प्रोडक्ट के मूल्य ज़्यादा होने के कारण इसकी लोकप्रियता उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन और कंपनी के मुकाबले काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। मीवी की तरफ से आने वाला यह एयरफोन मेटेलिक फिनिश डिज़ाइन के साथ आता है जो कि दिखने में काफ़ी शानदार लगता है, साथ ही इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया कि आसानी से कानों में गिरते नहीं है, इसलिए आप इसे कान में लाकर जॉगिंग या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इसको एक बार चार्ज करने के बाद लगभग 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देता है
और इसका फुल चार्ज होने पर तकरीबन आपको 1.5 घंटे का समय लग जाता है। साउंड के मामले में किसी तरह की कमी नहीं मिल जाएगी, यहाँ पर बेस ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल एयरफोन हमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी साउंड एक्सपीरियंस कराती है। मीवी के इस एयरफोन में इनलाइन माइक मिल जाता है, जिससे आप एयरफोन को इस्तेमाल करने कॉलिंग गेमिंग में दोनों में मदद मिल जाएगी, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। बढ़िया साउंड क्वालिटी है इसके अंदर, ओवरऑल काफ़ी है, बिल्ड अप क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। वैसे दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा ना बताऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा स्पेसिफिकेशन बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो आप देखोगे नहीं। वैसे दोस्तों खुद से अगर एक बार ट्राई देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक जरूर करना है, इस एयरफोन को काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ। अगला हमारा सोनी की तरफ से वाला सोनी MRDEX 155, जो कि दोस्तों सोनी की तरफ से वाला काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन आता है। सोनी का प्रोडक्ट आप लोगों को दोस्तों पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी पॉपुलर रहा इस टाइम में इंडिया के मार्केट में। भारतीय बाजार में सोनी का नाम बहुत ही समय से लोकप्रिय रहा है। सोनी के एयरफोन काफ़ी अच्छे होते हैं और गुड क्वालिटी के साथ आते हैं। सोनी के इस एयरफोन को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मेटल हाउसिंग के साथ आने वाले यह एयरफोन में आपको प्रीमियम होने का एहसास कराएगी। इसका आईवी एयरबड 30 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ, जो कि अच्छी तरह से फिट हो जाता है। साथ ही वायर बहुत मजबूत दिया गया है और टैंगल फ्री वायर होने के कारण यूनिक भी लगता है। अगर साउंड की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट प्रोवाइड कराता है। अब बेस प्रेमी के लिए एयरफोन का चयन करना काफ़ी ईजी है। अगर आप गेमिंग या कॉल के लिए एयरफोन लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। ये एयरफोन आपको कभी भी नाराज नहीं करेगा और ये एक लाइट वेट एयरफोन होने के कारण आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से गेम खेल सकते हो और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। इसको ट्राई कर सकते हो, मस्ट ले सकते हो गेमिंग के पर्पज़ पे। पबजी जैसे गेम खेलते हो, फ्री फायर जैसे गेम खेलते हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी के साथ आते हैं, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जो कि काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ। अगला हमारा वन मोर पिस्टन की तरफ से आला। ये हमारा वन मोर की तरफ वाला वन मोर पिस्टन, इसका नाम ही को तो अजीब सा है, लेकिन ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। ऑनलाइन मैंने चेक किया, बहुत पॉजिटिव रिव्यू रही है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है वाले प्रोडक्ट भी, जो कि ये काफ़ी दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। दोस्तों वन मोर की तरफ से आने वाला ये एयरफोन बहुत ही क्लासिक लुक के साथ आता है। इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग किया गया है, इसके कारण वजन में थोड़ा ज़्यादा है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होने के कारण कान में जल्दी ख़राब नहीं होता, टिकता है कान में, दर्द नहीं होगा आपको। डिज़ाइन की बात करें तो इसका एयरबड्स भी 30 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ, जो कि कान में अच्छी तरह से फिट हो जाता है और बहुत ही अच्छा है। साथ ही वायर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। साउंड की बात करें तो इसमें आपको अच्छे और डीप बेस के साथ क्लियर साउंड का अनुभव कराती है। अगर आप 1000 के अंदर बेस के साथ क्लासिक दिखने वाले एयरफोन की तलाश करें तो आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। इस एयरफोन को ऑफलाइन मार्केट में जल्दी नहीं मिलती है, आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया एयरफोन है। गेमर्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, जिसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक्यूरेसी साउंड लगे एकदम डिले ना हो साउंड में, तो गेमिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। म्यूजिक के अंदर भी कई बार देखा होगा अटकती है साउंड, आवाज़ फड़फड़ाती है, ऐसी दिक्कत इन एयरफोनों में नहीं करती, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मेटल हाउसिंग के साथ बनी हुई, इसका चैम्बर वगैरह काफ़ी बढ़िया होता है, साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया प्रोड्यूस होती है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एयरफोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो दोस्तों यह थी मेरी नज़र आने वाले बेस्ट एयरफोन, जिसे आप गेमिंग प्लस म्यूजिक के पर्पज़ पर ले सकते हो। ओवरऑल सारे काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम कैटेगरी के साथ आते हैं, बेस्ट है अपनी कैटेगरी में। तो दोस्तों कैसे लगे एयरफोन हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों इसके बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। और दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक सेलेक्टेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमें सब रहे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इसी में इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।